इस बजट सत्र में जो भी सामने विषय आने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा करना और एक विपक्ष की एक संयुक्त भूमिका, कई ऐसे विषय जो महत्वपूर्ण आने वाले हैं उसके ऊपर रखने के बारे में एक अनौपचारिक बैठक थी। आज क्योंकि पहला दिन था, बहुत सारी पार्टी के अलग अलग नेताओं को भी आज उपस्थित रहने में जरा संभव नहीं था, लेकिन मुंबई में संविधान बचाओ रैली के पश्चात ये तय हुआ था कि 29 तारीख को प्रथम दिन हम लोग सब बैठेंगे। अगले हफ्ते में एक बड़ी व्यापक बैठक होगी जो संभावित श्रीमती सोनिया गांधी वो बुलाने वाली हैं, ऐसा कांग्रेस की ओर से सूचना मिली, और उसमें अन्य विपक्षी पार्टी भी जो आज यहाँ उपस्थित नहीं थे वो सभी लोग उपस्थित रहेंगे, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब अन्य पार्टियों के साथ संपर्क करेंगे और अगले हफ्ते में जो भी एक तारीख तय होगी उसमें सभी पार्टी उसमें बैठक में हिस्सा लेगी। सर, बजट सत्र को लेकर ही चर्चा है, 2019 के पक्ष की तरफ से देखिए बहुत सारे अलग अलग विषय आज चर्चा में हैं, जिसके वजह से स्वाभाविक है कि इस बजट सत्र में बहुत सारे विषय जो आएंगे उसमें एक विपक्ष की संयुक्त भूमिका भी होनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, चुनाव के बारे में अकेले की बात नहीं है, चुनाव के बारे में भी अलग अलग विषय और वर्णन सरकार की ओर से, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में हो या प्रधानमंत्री जी के जो उनके इंटरव्यूज़ पिछले दिनों में रहे उनमें भी उन्होंने संयुक्त चुनाव के बारे में चर्चा की है। खैर, ये सब बातों के ऊपर आज के इस चर्चा सत्र में कोई ऐसा बहुत व्यापक चर्चा का विषय नहीं था। जैसे मैंने कहा कि आज प्रथम दिन था और एक अनौपचारिक बैठक करने के बारे में 29 तारीख को करना, इस तरह की मुंबई में बात हुई थी, लेकिन अगले हफ्ते में सारे विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक संभावित श्रीमती सोनिया गांधी के अध्यक्षता में रखने की बात चली है। अब उसके बारे में गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चर्चा करेंगे और आपको हम तब बता पाएंगे कि अगली मीटिंग और कब और कहाँ हो। सर, नॉर्मल मीटिंग में क्या कुछ सर, केंद्र सरकार एक साथ, सर केंद्र सरकार एक साथ चुनाव कराने की बार बार बात करती रही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी ये बात सामने आई कि बार बार आचार संहिता लगाने से देश को नुकसान हो रहा है, आपको क्या लगता है लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराने का एक संकेत है ये? देखिए, ये संकेत उनके ओर से कहीं कई बार दिए जाते हैं, लेकिन ये सारी बातों पर, ये कोई साधारण बात नहीं है कि जिसके ऊपर टिप्पणी ऐसे ही की जाए। इसके लिए पहली बात तो सभी राजनीतिक दल एक होने चाहिए, इसके लिए संविधान में परिवर्तन करने की बात आएगी, और ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि एक दिन में कोई इसके बारे में कोई फैसला किया जा सके। और निश्चित जहाँ तक संयुक्त चुनाव की बात है, जिस तरह से उनके बयान बार बार आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की इस दिशा में मंशा सरकार की ओर से नज़र आ रही है, और इसके बारे में जो भी भूमिका रखने की होगी ये जब संयुक्त बैठक सारे विपक्षी पार्टियों की होगी तभी उसके बारे में अधिक हम आपको बता पाएंगे। प्रफुल्ल पटेल जी, क्या ये सिर्फ संसद के अंदर ही रणनीति की बात है या इससे बड़े होराइजन पे 2019 के लिए आप लोग साझा हो रहे हैं, कोई एक साझा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी फिलहाल जो भी बैठक हो रही है ये संसद के सत्र के ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते ही ये हो रही है, और जैसे जैसे देखिए चुनाव नज़दीक आएंगे राजनीतिक गर्माहट ऐसे ही बढ़ते जाता है और वो स्वाभाविक है, लेकिन आज उसके बारे में कोई चर्चा हुई है ऐसा कहना गलत होगा। ये जो भी कुछ होगा ये आगे जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आते हैं तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक गतिविधियां भी उस हिसाब से तेज होती है, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई बात आज नहीं हुई है। छोटा सत्र है, दो तीन मुद्दे जो आप लोगों ने फाइनल किए हो जिसको देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन सारे मुद्दों पर अभी कोई मैं इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन नहीं नहीं उसमें चाहे वो जुडिशरी का मामला हो, चाहे चुनाव साथ में कराने का मामला हो या अन्य जो भी विषय हो, ये सब लोग विषयों को लेकर जब हमारी सब बाकी पार्टियों के साथ व्यापक मीटिंग होगी।